दोस्तों, अंतरिक्ष में अगर इंसानों के घर की बात की जाए तो हमें यहाँ केवल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ही दिखाई देता है। वर्तमान के समय में ये हमारे लिए अंतरिक्ष में बसा इकलौता ऐसा स्टेशन है जिसे हम अंतरिक्ष में अपना घर मान सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए ये स्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रफ्तार के बारे में सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे और ये करीब 90 मिनट में ही पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी में हम साधारण रूप से 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यातायात करते हैं, परंतु अंतरिक्ष में होने वाली यातायात के सामने ये रफ्तार कछुए की चाल जैसी ही है। कहने का मतलब ये है कि अंतरिक्ष में जितने भी व्हीकल्स या इंस्ट्रूमेंट स्थित हैं उनकी रफ्तार यहाँ के व्हीकल से कई गुना ज़्यादा तेज है। उदाहरण के लिए आप ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही देख लीजिए। अंतरिक्ष में ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस कारण से पृथ्वी का सिर्फ एक चक्कर करने के लिए इसे मात्र 90 मिनट का ही समय लगता है। लोगों को लगता है कि ISS एक छोटा सा यान है, परंतु इसकी कुल लंबाई लगभग 109 मीटर तक है और इसके अंदर इंसानों के रहने लायक हर एक सुविधा मौजूद है। जगह की कमी आपको शायद ही यहाँ पर नजर आए। यहाँ पर एक समय पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग एक साथ रह सकते हैं और इंसानों के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया ये सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। उसके अंदर का टोटल क्यूबिक प्रेशर 32,333 फीट तक का है और ये एक बोइंग 747 विमान जितना ही बड़ा है। ISS रशिया के मीर स्पेस स्टेशन से भी 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अब बात करते हैं इसकी कीमत की। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ें ISS और इसकी कीमत है 11 लाख करोड़ रुपये। पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में अगर मैं कीमती चीज़ों की सूची के बारे में बात करूं तो उस सूची में सबसे पहला नंबर ISS का ही आता है। 11 लाख करोड़ रुपए की लागत से बना स्टेशन इंसानों के पूरे इतिहास में बने सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है और वर्तमान में यह और भी महंगा होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं पानी के बारे में। ISS में यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है पीने के पानी को बनाने के लिए। वर्तमान के समय में ISS के अंदर 2 बाथरूम मौजूद हैं और बाथरूम से निकलने वाले पानी और स्टेशन में मौजूद क्रू और एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखे जानवरों का यूरिन से ही ISS पर पीने के पानी को बनाया जाता है। हालांकि पानी को कई चरणों के फिल्टर की प्रक्रिया से साफ किया जाता है, इसी कारण से आपको ISS पर कभी पीने के पानी की कमी महसूस नहीं होती। ISS में लगे कंप्यूटर भी हैक होते हैं और ये बात तो सच है कि नासा ने ISS के सुरक्षा के प्रति कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु कई बार ऐसे भी मौके आए हैं जहां पर ISS के कंप्यूटर तक हैक हो जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक ISS के कंप्यूटर कई बार हैक हो चुके हैं। W32.Gemini AG नाम के एक कंप्यूटर वायरस ने सबसे पहले ISS को कंप्यूटर को हैक करवाया था। ये वायरस एक गेमिंग वेबसाइट से आया था, हालांकि नासा ने इस वायरस को एक साधारण से वायरस ही बताया। पूरे सोलर सिस्टम में ISS एक ऐसी जगह है जहां पर आप अंतरिक्ष की गंध को काफ़ी अच्छे से महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ISS पर रह रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष की गंध मेटेलिक आयोनाइजेशन के टाइप की होती है। मतलब यह है कि अंतरिक्ष ज़्यादातर आयोनाइज मेटल आयोनोन्स की तरह महकता है। ISS में आपको डॉकिंग स्टेशन के पास ही सूंघ सकते हैं जहां पर ISS के दरवाजे नियमित रूप से खुलते रहते हैं। आकाश में तीसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है ISS। अक्सर हम आकाश में तारों को झिलमिलाते हुए देख सकते हैं, परंतु वहां दूर अंतरिक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देती हैं। ज़्यादा पास और चमकीले होने के कारण इन्हें हम खुले साफ आसमान में बड़े ही आसानी के साथ देख सकते हैं। चांद और वीनस के बाद अंतरिक्ष में तीसरी सबसे चमकीली चीज़ है ISS। इसे आप आसानी से जरा गौर करके भी देख सकते हैं। पृथ्वी से ISS एक उड़ रहे प्लेन की तरह ही दिखता है। ISS के अंदर लगे हुए हैं लगभग 13 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे तार। स्टेशन से जुड़ी खास बात यह भी है कि इसमें 12.8 किलोमीटर लंबे तार लगे हुए हैं और मजे की बात यह है कि इतने लंबे तार लगे होने के कारण ये कई बार पेचीदा भी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसकी देखभाल नियमित रूप से करना बहुत जरूरी काम है और बहुत मुश्किल काम भी होता है। ISS पर खाना खाना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है। ISS पर जितने भी अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उन्हें दिन में 3 बार खाना खाना होता है। खाना खाते समय वो ऐसे बैठ कर खाना नहीं खा सकते हैं क्योंकि डाइनिंग सेक्शन में तो कोई चेयर मौजूद ही नहीं होता है। खाना खाते वक्त उन्हें बड़े ही सावधानी से उड़ते उड़ते और धीरे धीरे खाने को अपने मुंह में डालना होता है, जिससे खाना इधर उधर स्टेशन के अंदर ना फैले। हर एक खाने का पैकेट सूखा और डिब्बों में दबाव के साथ बंद रहता है, जिससे खाना व्यवस्थित ढंग से ISS के अंदर रहे। तब बात करते हैं ऑक्सीजन की।
ISS में लगे सोलर पैनल से ही ISS को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए सोलर पैनल से बिजली को यूज़ किया जाता है और इसे पानी में फ्लो किया जाता है, जिससे पानी के पार्टिकल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं, जिससे नियमित रूप से ISS के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।